जैसा करके क्या अच्छा करना है बोल के। हाँ आई एम सो सॉरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारा क्लब में कंपटीशन चल रहा है। ओके, अगर कोई कंपटीशन है मैं हारता नहीं हूं। हाँ वो प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, वेट लॉस का कंपटीशन में हूं मैं। ओके, अभी 20th तक चलेगा, नेक्स्ट मंथ 20th तक, 60 डेज का चैलेंज है। तो उसमें वेट लॉस थोड़ा का, अभी हाँ अभी वेट वेट कितना है का, सर आपको? वेट लॉस अभी का वेट, कंपटीशन भी होता हाँ वेट गेन वेट लॉस है? का हमारे क्लब में है। हम जिम में अच्छा जाते हैं ना, उधर वो अच्छा चल रहा है। मुझे हारना पसंद नहीं है। अच्छा हाँ हारना ओके सर नो अभी कितना प्रॉब्लम, है लेकिन कोशिश तो करना है, दिल लगाना है। तो अभी शुरू कितना कर सर दिया मैंने, अभी? थोड़ा ज्यादा हो रहा। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ। नहीं नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम सर, क्या नहीं है, नहीं नो नहीं सर, प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जल्दी भी नहीं जा ठीक सकता हूँ क्योंकि 6 o'clock तक मैं बेबी सिटर हूँ। ओके 6:30 तक, ज्यादा समय 7 o'clock हो जाएगा, 2 o'clock तो वॉक करना पड़ेगा, वो ऐसा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, अभी छोड़ दो, अभी अभी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। फाइन, आज अभी हमें यस क्या सर, है, हाइपोथेसिस को खत्म करके, ये बेस्ट है आज हाइपोथेसिस को समझने में इंट्राडे के लिए। साथ साथ में वी विल गो ऑन टू रिकॉग्न, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द ट्रेंड। ओके रिकॉग्नाइज एंड कंफर्म ट्रेंड। कंफर्म ट्रेंड कल से करेंगे, रिकॉग्नाइज ट्रेंड आज करेंगे। फाइन ओके सर। सर ओके फाइन, अभी कोई एक स्टॉक का नाम बताओ सर। सर कल अदानी एंटरप्राइज, पावर ग्रिड अदानी सर, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड को किसको ले लूं? अदानी एंटरप्राइज सर एक बार मेरा इसको। ट्रेड भी आज बहुत खराब था, सारे दिन वेट करके 1,002 रुपीज का मिला। नहीं भाई, भाई आज बहुत अच्छा सर प्रॉफिट गया था मेरा। हाँ रिलायंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट गया था, मतलब दिमाग इतना खराब हो गया, मैं बाद में सो गया। हाँ सर नो पावर प्रॉब्लम, ग्रिड एनालाइज मार्केट भी अच्छा है एनालाइज नहीं। करना भी है। फॉरवर्ड करना आपने सर? कभी बोला था कि बिलो 300 आई डोंट लुक ना एट द ना, स्टॉक। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ सर। इनफैक्ट मैं ठीक नहीं है करता सर, हूँ, इसमें इसको छोड़ देता इसमें हूँ। सर ओके सर चाहिए आदानी तो एंटरप्राइज करेंगे। सर इसमें कुछ लर्निंग है सर आज? पावर ग्रिड में क्या मतलब, हाँ नाम सर, से कोई मतलब नहीं है सर। पावर हाँ सर, आपने को ग्रिड, क्या है सर, ट्रेड नहीं हाँ करना है ना अभी, एनालिसिस करना है उसको। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ पहले हम निफ्टी पे जाएंगे क्या? हाँ यस सर सर, निफ्टी ओके सर, पावर ग्रिड का हाइपो क्या था? जो भी है आपको जो भी पावर ग्रिड बताया है, हाइपो हाइपो बाय था, बाय था। ओके इनफैक्ट आज सारे मार्केट का हाइपो बाई था। ओके हाँ वही सर, नाउ अभी क्या होगा ये थोड़ा समझना। ओके हाँ, अगर ये समझ में आ गया, मतलब ये दिखता नहीं है सर। ओके मुझे भी अनदर अंदर 4-5 मंथ्स चाहिए, दिसंबर तक इसी का कोशिश कर रहा हूँ मैं। मतलब ये दिखता नहीं है मुझे, कॉन्सेप्ट सब कुछ पता नहीं है। ओके सब 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 कुछ पता है मुझे क्या होता है, लेकिन उसको मतलब लाइव मार्केट में वो इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल्स। ओके इसको ढूंढना अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ। ओके लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता है, निफ्टी में तो श्योर शॉर्ट था, मैं निफ्टी में श्योर शॉर्ट था। अभी बताता हूँ क्या है। बोले भाई मुझे एक चीज बताओ, ये तो अपलेग में है करेक्ट? यस सर, ये अपलेग में यस है। सर, ओके तो पिछले, देर इज नो अदर लेवल्स राइट, देर इज नो अदर लेवल राइट। हाँ यस सर, यस सर, ना अभी क्या है मुझे पता नहीं है भाई, मतलब क्या है वो, ये कितने तक जा सकता है। हाँ इनफैक्ट अभी भी बुलिश है, कल इसमें ट्रेड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा निफ्टी में प्योर, मतलब बताता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो सर ऊपर कोई नहीं, अगर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है सर, आपका स्टॉप लॉस एलिमिनेशन इधर ही होगा, स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन। एंड एक्शन ओके ये पैटर्न। तीन पता है ना, हमने सीखा है स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन। स्ट्रक्चर तीन होता यस है, सर, यस पैटर्न दो होता है, एक्शन दो होता है करेक्ट। सर, फाइन यस अगर सर, मान लो, ओके दिस इज द हाइपोथेसिस पार्ट सर, मतलब अगर मुझे इन्फिको सॉरी यार निफ्टी 50 को आज बाई करना ब्रेक है, व्हाट इज द ट्रेड सर? इन साइड बाय सर, ब्रेक बाय साइड। ब्रेक इनसाइड बाई राइट। यस सर, यस इसका सर, मतलब है यस कोई सर, सपोर्ट पे मुझे उठाना है इसको, क्लियर ना? यस सर, मुझे यस सर, और कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है जब इसके ऊपर खुला,
यही सपोर्ट है, समझ यस सर, हाँ यस सर, रहे हो ना, यही सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है अभी, इसको समझना सर, सारे में यही होगा ना, ये तो ऊपर को ना सर। हाँ यस देखो सर, अभी क्या होगा, हमारा सपोर्ट तो इधर है, ओके, हमारा सपोर्ट तो हाँ इधर है, ओके, तो इधर से ही ब्रेकिंग सेट, कोई लेवल नहीं है और कोई हिस्टोरिकल लेवल है, कुछ नहीं है, इधर से ही ब्रेकिंग सेट होना चाहिए। अभी ये पहला कैंडल हुआ ना सर, पहला कैंडल हुआ, पहला यस कैंडल सर, गैप अप हुआ, मतलब ऊपर जाके नीचे आ गया, करेक्ट। यस सर, इसमें मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, ओके, गैप अप हुआ है, एक रेड कैंडल बनाया है, ओके ओके, यस सर, यस सर, मुझे तो पता है इधर तक आना चाहिए। अभी देखो सर क्या होता है, क्या ये फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल है क्या, हाई लो, करेक्ट, हाँ यस सर, ओके सर, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये पहला कैंडल हुआ ना सर, पहला कैंडल जो हुआ, इसके पिछले कोई सब मतलब हिस्टोरिकल लेवल नहीं है, करेक्ट, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ये कल का हाई के ऊपर है, हाँ यस सर, कोई लेवल नहीं है। पहले कैंडल ऐसे हुआ, सेकंड कैंडल में एक सपोर्ट बना, हाँ यस इसमें सर, बाद में ये टूट गया, हाँ मतलब ये सपोर्ट टूटा ना हाँ यस सर, इसमें, टूट गया, ओके सर, मुझे एक चीज बताओ, इसमें मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ओके, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं था, ओके, अभी तक यस कोई सर, सपोर्ट नहीं था मेरे पास, मतलब यही है सपोर्ट, मतलब कल का हाई, अभी ये यस सपोर्ट जनरेट हुआ ना लाइव मार्केट में, हाँ यस सर, अगर मान लो इसको ऊपर जाना है, ब्रेक इन साइड होना है, ये लेवल से ये ब्रेक इन साइड हो जाएगा, ये लेवल से, ये पॉइंट क्लियर है, हाँ यस सर, ओके नाउ, ओके, मतलब सपोर्ट तो तोड़ दिया ना, अभी क्या होना चाहिए, अगर ये लेवल सटीक सा लेवल है, मुझे मतलब ये सपोर्ट है, ये, मतलब ये प्रॉपरली सपोर्ट ही है, ये क्या होना चाहिए, हेलो, ये फटाक से हायर आई करना चाहिए। हाँ यस सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या भाई सर, हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग भी नहीं भेज रहा मैं, ओके, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, ओके हाँ फाइन, कोई बात नहीं सर, ठीक हाँ है, तो मैं सो गया ट्रेनिंग के बाद, मैं सो गया, पर मैं हाँ क्या है, वो जा रहा है 26 पे जा रहा है, ब्रेकआउट करेगा बोल के, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब रिलायंस उठाया था मैं, और कोई स्टॉक है तो मैं शॉर्ट करता था, मैं बताता हूँ उसको, समझ में आ जाएगा, ओके, ये सपोर्ट है, ये नीचे गिरा, करेक्ट, मतलब यस सर, यस अगर ये सर, सपोर्ट है तो ये हायर है इधर से करेगा, ओके ओके हाँ यस सर, सर, जब 1 2 3 4 कैंडल हुआ ना, इसने आपको समझ में आ गया सपोर्ट टूटा है, करेक्ट, यस सर, हाँ ओके सर, ना सर, मुझे एक चीज बताओ, क्या इधर किधर सेलिंग हुआ है सर, सेलिंग किधर हुआ है सर, ये थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में, हाँ फोर्थ कैंडल, फोर्थ कैंडल में सेलिंग हुआ है, करेक्ट, थर्ड, यस सर, मानते हो, यस सर, सपोर्ट टूटा, यस सर, नहीं, सपोर्ट टूटना फाइन, मतलब वो सेल होने के बाद ही मतलब प्राइस लेवल को नीचे आ गया, करेक्ट, यस सर, ओके भाई, ये सब मतलब इधर सेलिंग हो गए ना, मतलब ये लेवल को हाँ टूटा, मतलब नीचे गिरा, करेक्ट यस सर, है यस सर, सर, इसका मतलब है क्या इधर से सेलिंग हो गया, हाँ इस लेवल से हुआ है, मतलब ये लेवल को तोड़ा, इधर तक ऊपर गया, नीचे गिर गया, करेक्ट, हाँ यस सर, यस सर, ओके ना, इधर सेलिंग हो गया ना सर, मुझे इसके बाद जो सेलिंग हुआ उसके बाद कोई क्लोजिंग आया नीचे, नहीं सर इसके नीचे क्लोजिंग आया, फटाक से अंदर आ गया ना, आया, हाँ इसका मतलब है भले इधर सेलिंग हुआ है, ओके, ये जोन में दिस इज नॉट द लेवल, ओके, सर, एक बार फिर से यस, सर, देखो ये लेवल को तोड़ा ना सर, थोड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता हुआ आता है मान लो, ओके, ओके ये क्या करेगा, ये जो ये सपोर्ट लेवल है ना सर इधर, सर, इसको हिट करके नीचे गिर जाएगा, ओके सर, कब कब
कोई लेवल को जब ब्रेक उसके करने के हर बाद नीचे क्लोजिंग कोई, आना चाहिए। हाँ ओके, रेड ग्रीन के बाद में एक और वापस सेलिंग आनी चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए अभी हाँ अभी। सर मुझे एक चीज बताओ, आपको ये समझ में आ गया भाई ये लेवल नहीं है? अगर आपको ये समझ में आ गया इसमें सेलिंग नहीं हुआ है, ओके, अगर सेलिंग होता इसके नीचे एक क्लोजिंग आता, ये पॉइंट क्लियर क्लियर है है? सर। यस ओके, नाउ नाउ 1 2 3 4 5 कैंडल हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया भाई इधर सेलिंग किधर आया? मतलब आप बोल रहे हैं इधर, करेक्ट, इधर तो सेलिंग नहीं हुआ है, क्या ये हाई से गिरना शुरू कर दिया क्या? इधर तक ऊपर गया इसके नीचे आने लगा, करेक्ट? फर्स्ट कैंडल ये फर्स्ट कैंडल का हाई जो है उधर तक, उस देखो ओपन होके हाई ऊपर जाने का कोशिश किया, नीचे गिर गया, करेक्ट? यस सर। इसका मतलब है सेलिंग यस तो इधर हुआ है लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये इसका जो हाई है इधर तक जाने का क्षमता रखता है, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ अब विक भाई एरिया मतलब पूरा सर, विक एरिया पूरा जो फर्स्ट कैंडल का है नहीं है ऊपर ये का। जो हाई है किधर से सेलिंग शुरू हुआ था? ओके सर ओके, ये हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज सर कोई भी लेवल अभी है नहीं, मतलब कोई ऑल टाइम लेवल हाई नहीं पे है, चला, कोई लेवल नहीं है, इसीलिए इस मेथड को हम देख रहे हैं। करेक्ट? ओके सर समझ रहे हो ना? हाँ एक्सक्यूज हाँ मी सर, सर इफ द सेकेंड एंड थर्ड कैंडल लाइक बाय चांस इफ इट वुड हैव ब्रोकन द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल देन इट वुड हैव गॉन अप सर। करेक्ट। ओके सर, अगर ये सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है ना, अगर ये सपोर्ट है तो हाई टूट के बाहर जाना चाहिए, अगर ये सपोर्ट को तोड़ा है तो हाई रही करना चाहिए, मुझे समझ में आ जाएगा। मतलब ये लेवल है मुझे ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, ये दोनों नहीं हुआ है, ये पॉइंट ओके क्लियर सर, है? ओके अभी सेलिंग इधर शुरू हो ना सर, क्या होगा ये इधर जाके गिर जाएगा सर, उस शार्प सेलिंग आया ना ये कारण से, पॉइंट? यस सर। ये मैं इसी मेरा सीनियर्स को भी ये वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मतलब बेकार बात करते हैं उधर, ये चीज है। ओके फाइन, अभी आपको पता है ये ब्रेक इन से लेवल है, करेक्ट? मतलब इधर से ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट? हाँ यस सर। जब इसको इसने तोड़ा ना सर, जब इसको इसने तोड़ा, क्या हायर ही बना? नहीं हायर ही बना? नहीं बना। नहीं बनाना, इसका मतलब है ये नहीं है लेवल, तो ये जो लो है ये टूटने वाला है। हाँ ओके, क्या इसको हिट करते ही हायर हाई करना शुरू कर दिया सर? हाँ यस सर। ये लेवल है अगर भाई जाना है तो, फाइन। सर एक बार फिर ओके से सर, ये लेवल तभी कंफर्म हुआ ना जब यहां से कोई भी क्लोजिंग देखो नीचे नहीं। ये लो था, ओके, ये हाँ ब्रेक इन से लेवल था, इसको इसने टूटा, अगर ये लेवल है ब्रेक इन से होने का, ये हायर ही फटाक से कर देता। ओके हाँ यस सर। ओके, नहीं है ऐसा नहीं है, इसका मतलब है अभी तो कंफर्म नहीं है, अगर बाई भी जाना है आपको तो ये लेवल नहीं है, अभी तक का जो लो है ये टूटने वाला है। हाँ ओके, इसका मतलब है जब ये सपोर्ट है तो मतलब टच किया, इसका हाई कितना है भाई? 7 7.85 7, ये हाई वोलेटाइल है, नेक्स्ट कैंडल हाई रही है, करेक्ट? यस सर। तो ये आपका लेवल है। ओके, इधर से यू कैन जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन वो आपका जो भी सपोर्ट है मतलब उधर तक गया है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन सर, ये समझ में आ गया यस सर। बस ना? हेलो सर, ये लेवल तब कंफर्म हुआ सर जब कोई भी क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। नहीं, ये लेवल है ना सर, ये इसमें हिट हाँ करते ही हाई राई करना शुरू कर दिया, ये सिम्टम है। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा कंफर्मेशन मतलब उसी लेवल पे कैसे मिलेगी कि ये यही एक लेवल है जहां से क्या अपन हाई है साइड में जा सकते हैं। मतलब हाई राई का मतलब क्या है सर? हाई राई का मतलब ये है उधर सपोर्ट जनरेशन हो रहा है, वो बता रहा है हाई राई जब होता है हाँ सपोर्ट जनरेशन, वो लेवल पे सपोर्ट जनरेशन, क्लियर? बिल्कुल तो सर, ये ये कंडीशन पिछली वाली कैंडल में नहीं है। हेलो है सर, ये वाला, हाँ ये रेड इसके पास वाला ये वाला, सर, वो उधर ये पीछे वाला, सर। हाँ जी हाँ हाँ ये क्यों है सर?
देखो क्या पीछे हुआ वाला सर, था रेड रेड वाला सर, ये जी। जब टूटा था ना सर, जब मतलब मेरा लेवल ये था, ओके, ये कल का ब्रेकिंग से लेवल था सर, ये इधर से उठना चाहिए था, जी ब्रेक इंसर्ट होना है तो इधर से ही उठना है ना ऊपर। यस सर जी तो इधर आते ही हायरे करना शुरू कर देगा, क्या किया? नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट कैंडल में लो लो ही है ना सर, इसका मतलब है इधर सपोर्ट जनरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी जो लो है वो टूटने वाला है। क्या हाँ टूटा इधर? इधर टच कर दिया ना हाँ जी, नीचे क्लोजिंग किसी के लिए नहीं। क्लोजिंग का बात नहीं कर रहे सर, वुड सेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग। जब इसके मतलब टच किया ना, सपोर्ट जनरेशन शुरू हो गया, अच्छा दिल का हायर आई, मतलब ठीक सेकेंड कैंडल ने हायर आई कर दिया, ओके, ये सपोर्ट है। हाँ जनरेशन है, यस उसको भी बोलते हैं जिगजैग यस हाई, हाई पे जाना चाहिए बोल के, हाँ ओके। जिगजैग हाँ इधर मतलब ये हाई वोलेटाइल है, मतलब अगर मान लो ये लो लो करता नहीं है, ये लेवल भी नहीं है, टूटने वाला है, सपोर्ट नहीं है, क्लियर है ना? हाँ यस सर क्लियर। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद अदर एग्जाम्पल, ओके। इन्फी, नाउ ये जो हुआ है इन्फी में, कल निफ्टी में वही होने वाला है, क्लियर है ना? नहीं सर सर, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था ओके, निफ्टी आज। ओ पढ़ो पढ़ो ना, क्या स्ट्रक्चर है सर? स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन, हायर हायर हाई, हायर हायर हाई, हायर करेक्ट। तो मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, करेक्ट? यस यस सर सर, ये लेवल है सर, ये जो लेवल है ना, इधर से ब्रेक इनसाइड होना चाहिए, ओके। सर नाउ नाउ इसको समझना, कॉन्सेंट्रेट हियर प्लीज। आपको ही मतलब मान लो, हाइपो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर मुझे इसको बाई करना था, ओके, तो यस सर अगर इसके नीचे खुलता है सर, अगर इसके नीचे खुलता, ये श्योर शॉर्ट सेल है, अगर इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ब्रेक इनसाइड करना है मुझे। हाँ सर हाँ अगर इसके नीचे इसका ओपनिंग है, कितने भी ऊपर जाए नीचे गिर जाएगा, ओके। इसके ऊपर खुला, हाँ यस ओके। सर नाउ सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अगर मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियर? सर आपने ये सीखा है, अगर मान लो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लोअर लो किया है, ओके, प्राइस यस सर इधर खुला, क्या ये सपोर्ट है? ए भाई, लोअर लो स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था आपका, लोअर लो है, आज मॉर्निंग इसके ऊपर खुल रहा है, क्या ये सपोर्ट है क्या? नहीं कल सो है सर रहे थे इन द क्लास, नहीं है सर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा सर ये। हाँ दिस इज अ लोअर लो, करेक्ट? यस यस सर सर, अगर मान लो यही आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मान लो ए से बन गया कैंडल, हायर आई बन गया, अगर मान लो हाँ नेक्स्ट डे इसके हाँ ऊपर खुलता है, इज इट अ सपोर्ट? यस यस सर सर, हाँ, आपको समझ में आ गया ना? यस नाउ हाँ नाउ नाउ हाँ कॉन्सेंट्रेट किया, इसको ढूंढना है सर चार्ट में, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल था, ओके फाइन, सर ये कल का कोई इंपॉर्टेंट कैंडल था, ये आज इसके ऊपर खुला तो ये सपोर्ट है, करेक्ट? हाँ मान लो सर हायर आई है, सब कुछ हायर आई है, उसके ऊपर है, हाँ इसके ऊपर खुला, ओके, तो इधर से ये ब्रेक इन सेल होना चाहिए ना। यस सर हाँ यस नाउ सर नाउ कॉन्सेंट्रेट सर, कॉन्सेंट्रेट। तो मुझे क्या ट्रेड करना है? अगर मान लो मुझे बाई करना है, तो ब्रेक इनसाइड बाई है सर। ब्रेक इन सर साइड बाय सुनो, कोई कारण से ये हाई को रिजेक्शन नहीं करना है, ए पॉइंट क्लियर है? अगर हाई से गिर गया, ये टूट जाएगा भाई। देखो क्या हुआ था, इसका क्लोजिंग नीचे हुआ है, हायर स्ट्रक्चर है, ओके, कल रात में क्लोजिंग हुआ है, आज खुला इसके बाहर, ओके, हाँ मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई इसके बाहर ये जाएगा ऊपर, ओके। नहीं सही क्लोजिंग लेवल के ऊपर हुआ ना क्लोजिंग नहीं क्लोजिंग नीचे हुआ है सर, नीचे था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऊपर से रेजिस्टेंस लिया था। ओके। अगर अच्छा अच्छा ओके ओके मान लो क्लोजिंग ऊपर भी है, कुछ भी है, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर मान लो आप सोच रहे हैं कि भाई ब्रेकिंग से हो रहा है सर, हाँ अगर मान लो इसका स्ट्रांगनेस से वजह से जब खुला है, उसके मतलब इसके ऊपर ही है,
अगर मान लो इसके ऊपर खुल जाता है, बाद में ये लेवल को तोड़ जाता है, गिर जाएगा सर, ओके समझ रहे हो? ओके ओके हाँ नाउ नाउ इंश्योरेंस आई विल शो यू दैट। नाउ सर ये सुनो, ये इन्फी है करेक्ट, यस सर सर ये नीचे क्लोज हुआ था। यस सर हाँ अगर मान लो भाई ये इसके ऊपर खुलता, हाँ इसको मतलब बिकॉज ऑफ द स्ट्रांगनेस ये इसके ऊपर जाके इसको फेल कर देता है, नहीं तो ऊपर खुल के नीचे आ जाता है, ये तो गिर जाएगा भाई आज इंटरडे में, फाइन यस सर हाँ ओके। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू इन बच बच फिनेंस ओके। नाउ ये हाइपो बाई के लिए था, हाँ ये हाइपो बाई के लिए था सर, ये लोअर लो था, ये हायर आई था, लोअर लो हायर आई, करेक्ट? क्या ये एक यस सर इंपॉर्टेंट कैंडल है सर? हाँ सर क्यों? मतलब जब ऊपर उठ रहा था ये लेवल को क्रैक करके ऊपर जाने का कोशिश किया था ना, हाँ सर ओके यस okay. नाउ सर क्या आज का ओपनिंग ऊपर है? यस सर यस यस सर। मैं क्या बोला सर, जब ऊपर होता है जो प्रीवियस डे का हाई को जाके अगर उसको फेल कर देता है, ये मर गया, आज ऊपर नहीं जाएगा, ए पॉइंट क्लियर है? क्लियर सर कल हमने अपोलो हॉस्पिटल का बात कर रहे थे करेक्ट, कल अपोलो हॉस्पिटल का, कोई मतलब ये इसका हेलो रेंज था करेक्ट, दिस वाज द रेंज, दिस वाज द रेंज राइट सर। यस सर, यस सर मतलब इसका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था सर? यही है ना, तुम्हें है हियर दिस वन राइट, कोई लेवल को हम कल डिस्कस कर रहे थे सर कुछ तो, ये ओके सब फाइन कुछ व्हाट एवर वो इट इज, लेट है। व्हाट एवर इट इज हाँ, लो वोलेटाइल इज फाइन सर, हिस्टोरिकल लेवल की बात कर रहे हैं, ये कौन सा लेवल है, कोई लेवल है ओके। नाउ क्या इसके ऊपर गया कल का हाई के ऊपर, यस सर उधर से वो सेलिंग हो गया, समझ रहे हो ना, यस सर ये ब्रेक इनसाइड करना है, तो ब्रेक इनसाइड है तो कोई लेवल से होना चाहिए, इसको हिट करके नीचे कर गया, इसमें सेलिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, ये समझ रहे हैं ना सर? अभी मैं जो निफ्टी में एक्सप्लेन किया, क्या उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूं इधर माइक्रो में, मतलब यस सर वो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उधर से खुला ऊपर गया, यस सर हाँ ऊपर गया सर ये यस लेवल सर ओके। नाउ पहला कैंडल में ये था, क्या आप बोल सकते हैं कि भाई सेलिंग इधर शुरू हुआ था? यस सर ओके मतलब दो कैंडल ने इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया ना, यस सर इसका मतलब ये है भाई इसने ऑलरेडी सपोर्ट को तोड़ा है ना इधर, इसकी किधर भी सपोर्ट मतलब ऊपर था लेवल करेक्ट, वो लेवल ऊपर था करेक्ट, यस उसके सर ऊपर था ना, नीचे नहीं है, निफ्टी में तो नीचे बना था ना सपोर्ट, हाँ ये लेवल को रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है करेक्ट, इसके बाद इसमें सेलिंग हो रहा है, लो टूट के नीचे गिर रहा है, हाँ सर अभी क्या है प्राइस इधर तक आएगा सर, अगर इसको गिरना है ये लेवल तक आएगा, ये लेवल ए जोन पे आएगा, इधर से गिर जाएगा सर, आपका स्टॉप लॉस है ये टॉप ओके, ये तो नहीं आया ना, ये तो उधर तक नहीं आया ना सर, नहीं है ना नहीं अगर आया इसमें सर जो सेलिंग आप बता रहे हैं, जो सेलिंग बता रहे हैं, इसमें वॉल्यूम तो कुछ चेक नहीं करना ना नहीं सर नहीं इसमें? नहीं कोई वॉल्यूम कहीं कुछ नहीं सर, नो नीड टू ठीक वर्क है ऑन ऑल दैट ओके। नाउ जब वॉल्यूम को कंफर्मेशन लेना लेना है, ट्रेंड कंफर्मेशन में बताता हूँ, अभी ये नीचे गिरा ना सर, ओके okay. मतलब ये नीचे गिरा, अभी इसको हिट करना चाहिए था, नहीं है करेक्ट, नहीं हिट किया करेक्ट, यस सर ऊपर जाके नीचे गया, इंट्राडे का नया लो बना दिया, हाँ नया लो बना यस सर। दिया किधर से सेलिंग शुरू हुआ था? क्या इधर से यस रेड सर कैंडल का हाई से?
यस सर, हाँ मतलब जो भी ओपन है ऊपर जाने का कुछ क्या नीचे गिरते हैं ना, आपका एंट्री इधर से होता है सर। ओके, ए जोन से आपको कोई हड्डी बटन नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेटो वेट, समझ रहे हो, यस सर, फिट करके नीचे गिर जाएगा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लो आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, ओके, मतलब ये कोई लेवल है, आपको ये लेवल को मॉनिटर कर रहे हो, इधर से ब्रेक इन से होना चाहिए बोल के, अगर मान लो ये प्रीवियस कोई लेवल है ना, मतलब ये कैंडल में हाई होता है ना, मतलब प्रीवियस डे, इसके ऊपर से रिजेक्शन हो गया, उसका मतलब है ये लेवल को टूट के नीचे गिर जाएगा, इधर से ब्रेक इन से नहीं होगा, ब्रेक इन साइड तो इधर से होना चाहिए था ना, हाँ समझ रहे हो। यस सर, If you want to, ठीक, और कौन सा स्टॉक लगा, निफ्टी बैंक, ओके, नाउ इनको मैं एक्सप्लेन करना है मुझे, होल्ड ऑन सर, इसमें भी कोई लेवल नहीं है ना सर, हाँ सर, इसमें कोई लेवल नहीं है ना सर, मतलब इसके ऊपर, मतलब ये जो लेवल है उसके ऊपर भी खुला है, करेक्ट, अगर मुझे ट्रेड करना है आज, ब्रेक इन से ट्रेड करना है, करेक्ट सर, ऐसा तो यस सर, ये लेवल से करना है, करेक्ट, हाँ ये उधर नहीं खुला ना, ये लेवल से मुझे करना है, करेक्ट, ये लेवल से मुझे ब्रेक इन से ट्रेड करना है, करेक्ट सर, सर, ऊपर खुला, ऊपर गया, हाँ यस सर, ऊपर गया ना, यस सर, ऊपर गया ऊपर गया, तो मुझे एक चीज बताओ, इधर सेलिंग किधर से शुरू हुआ सर, थर्ड कैंडल से सर, थर्ड कैंडल से, इसका मतलब है ये जो क्लोज प्राइस है, मतलब इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, उधर से नीचे गिर गया, करेक्ट हाँ यस सर, सर, क्या ये दो कैंडल में सेलिंग है, हाँ यस सर, हाँ सेलिंग है ना, यस सर, चलिए हाँ अगर मान लो ब्रेक इन सेल होना है तो ये लेवल से, ये फटाक से उठ के इंट्राडे का हाई मारना चाहिए, नहीं तो इधर से गिर जाएगा, वही चीज है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, इधर गिरा ना सर, इधर गिरा है, करेक्ट, हाँ इसका यस मतलब है सर, क्या ये लो को तोड़ा था, मतलब इधर से सेलिंग शुरू हुआ था, हाँ यस सर, वो उधर आएगा, आपका एंट्री जो भी है वो मिल जाएगा आपको, यस सर, समझ रहे हो, एक बार रिपीट कर दीजिए, ये ऊपर खुला ना सर, आपका इंपॉर्टेंट लेवल तो इधर था, ओके, आपका लेवल तो ये वाला था सर, ओके, मतलब और कोई लेवल नहीं है ना सर, नहीं तो ये होगा, ये कल का हाई होगा, नहीं तो ये होगा, खुला बाहर है ना सर, ठीक यही है ना, अगर इसको ब्रेक इन से होना है, पहला सिम्टम है, मतलब ऐसे फटाक से नीचे आ जाएगा, ओके, कोई हायर ही नहीं करेगा, अगर इसमें आप, अगर आप देखते हो कि कैंडल में ऊपर जाने का कोशिश किया सर, दो कैंडल में है ना, उसके बाद ये थर्ड कैंडल से सेलिंग शुरू हो गया, मतलब उसके ऊपर नहीं जा पाया, करेक्ट, इसका जो कंफर्मेशन है इधर मिला क्या भाई, ये लो को तोड़ते हुए, ये लो को तोड़ते हुए मिला ना, जी इधर ही है ना, तो अगर इधर से उठेगा ना, ये लेवल पे जाके गिर जाएगा, ये ब्रेक इनसाइड नहीं है, क्लियर है ना, ये खुला, देखो खुला वो लेवल को भी हिट किया है, ओके, नीचे हाँ यस आके, सर, अभी क्या है, कोई रेजिस्टेंस को नहीं बनाना है, ये हायर ही करना चाहिए, इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया, मतलब उसको ये नीचे सलिंग आया, इधर से ये गिरना, ये ब्रेक इन से इधर से नहीं होगा, इधर से गिर जाएगा,
समझ रहे हो सर ये चीज, क्या इसको प्रैक्टिस हाँ कर सकते हो, सर प्रैक्टिस कर सकते हो? इसका सर एक डाउट इसमें ये रहता है कि हाइपो तो आज बाई की हाँ, बाई का तो ट्रेड था ना सर, मतलब बाई है। आपको याद रखना है सर, इंट्राडे ट्रेड करते समय स्ट्रक्चर एक्शन पैटर्न, ओके, स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन, हाँ अगर वो पता यस नहीं सर है, अगर बाई करना है, अगर आप रेजिस्टेंस से बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ब्रेक इनसाइड मतलब लो से ही आपको बाई करना है। यस सर ये पॉइंट क्लियर है सर यहाँ सर? पे हाँ सर यहाँ पे भी सर तो ब्रेक में सर बाय सर हो सकता है हाइपो बाय था हायर पैटर्न भी हायर आई थी सर जैसे वो लेवल को टच करते उसने हायर हाई कर दिया ना कैंडल इधर उसमें क्या ये है, मतलब समय हियर वाज द दिस वन राइट, ये तो हाँ नहीं है सर सर, ये लेवल तो देखते ही समझ में आना चाहिए। ओके, यू विल अंडरस्टैंड, मतलब ये तो नहीं है ब्रेक इन सेल का मतलब है सर, ये प्राइस ए से आना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, लेट मी, मतलब ए से आना चाहिए, फटाक से ए लेवल पे आना चाहिए। अभी पहला हाँ कैंडल में आया ना, हाँ सर हाँ, हाँ यस अभी क्या है, अगर इसको ऊपर भी जाना है, आपका हाइपो है, कंफर्म ट्रेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस को बनाएगा, बनाया कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस को बनाएगा हाँ सर। ओके, हाँ सर हाँ इंटरडे का पहला रेजिस्टेंस को बिना हाँ बिना बनाने के वो तो ऊपर नहीं जाएगा, हर एक स्टॉक में होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस बनाया। ओके, हाँ अभी क्या है, ये आते ही ये फटाक से ये लो को तोड़ने से पहले ये फटाक से ये हाई को ऊपर ब्रेक करना चाहिए। वो अभी मतलब शुरू है ट्रेड, बिल्कुल मतलब शायद ये लेवल से ये लेवल तक आएगा, मैक्स टू मैक्स ये लेवल से ये जोन से आपका बाई होगा। इंट्राडे का लो है, देयर इज द स्टॉप लॉस। यस सर ये क्लियर है ना सर? अभी ओके, इन्फी, ओके इन्फी, ओके इन्फी में क्या ब्रेक इन सेट होगा ऐसे, यही है ना सर? देखो ऊपर हाँ गया ना सर, यस सर एग्जैक्टली वाले डालेंगे। ओके, ऊपर गया ना सर, हाँ यस सर ऐसा नहीं है निफ्टी बैंक जैसा हाई राइ किया किया गया। नहीं सर ओके, नहीं सर ऊपर गया, नीचे आने लगा, कोई ट्रेंड नहीं है, लो लो इधर किया ना, ये कैंडल होते हुए तो 1 2 3 4th कैंडल में लो लो बना। यस सर क्या ये लेवल को हिट करते ही हाई राइ करना शुरू कर दिया सर? हाँ यस सर अगर ये लेवल पे हायर ही नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, ओके, हाँ ऐसे भी नहीं है, जब इसके ऊपर खुला, इसके ऊपर आके इसको ऊपर टच करके नीचे आ रहा है, अगर इसको टच करके नीचे आता है तो डेफिनेटली ये फॉल है, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर यस सर अभी देखो मतलब ये बाई प्रैक्टिस यू अंडरस्टैंड, तो निफ्टी में डिटो सेम टू सेम कल होना चाहिए ट्रेड। निफ्टी में पॉइंट बाय पॉइंट ईस्ट ट्रेड है। ओके, नहीं सर एक बार डेली खोलना निफ्टी है उसमें क्या है सर, ये वाला था ना सर, ये हाई के ऊपर खुल के ये नीचे गिरा था ना, क्या उसका ओपनिंग हाँ उधर ही यस है? सर अपने उसके ऊपर रखे हाँ हाँ सर, अगर मान लो इसके ओपनिंग नीचे हुआ, ओके, इसके नीचे हुआ, इस आराम से सेलिंग, ओके, आराम से सेलिंग होगा, आराम से लास्ट मिनट तक सेलिंग होगा, कोई बाई नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है सर? इसके नीचे कल का हाई के नीचे, हाँ, यस सर अगर ऊपर खुला ये तो ब्रेक इनसाइड है सर, जो इन्फी में हुआ है यही होगा। ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ओपन होते ही ये हाई को रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है, बिना हाई को टच किया बिना इधर आ गया, इधर हायर ही मारा, इधर से कंफर्मेशन जाके ऊपर जाएगा, नहीं तो आराम से एक्सेलिंग है। ओके, यस आई एम सर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ये यस पॉइंट सर क्लियर है सर? हाँ ओके, मैं रिलायंस में क्यों ट्रेड किया था सर? सिंपल था,
अच्छा खासा प्रॉफिट में था सर एक्चुअली, वो भी एक लेवल भी था उधर, वो उधर एक लेवल भी था एक्चुअली, वो जो लाइफ टाइम हाई मारा था ना, लाइफ टाइम हाई मारा था ये जो 20 अप्रैल ये वाला, समझ हियर राइट, मतलब ये जो लेवल था ना यही है ना, यही है लास्ट टर्निंग कैंडल, यस सर, ये हाई वोलेटाइल है, मतलब इसको तोड़ के ये नीचे गिरा था ना सर, हाँ सर, यस सर, ये लेवल को तोड़, ये लो को तोड़ के ये नीचे गिरा था। अभी क्या है, जब तक इसके ऊपर है 86 पे अगर आया तो बेस्ट बेट ट्रेड था मेरा, ओके 86 पे नहीं आया हा? तो प्राइस तो उसके ऊपर ही है ना, हाँ प्राइस तो ब्रेक इनसाइड इधर से होना चाहिए ना सर, ब्रेक इनसाइड इधर से होना चाहिए करेक्ट, ये लेवल से यस सर, आपको ये सर भी हाई से पता भी है, तो हो सकता था। एक मिनट, आपको ये भी पता है ये लास्ट वीक का हाई है 2802, हाँ ये मैंने एंट्री यस सर, करा इधर, एंट्री किया, ये जब ऊपर गया ना सर, जब ये ऊपर गया वो जो कैंडल दिखा है ना मैं, वो जो लाइफ टाइम हाई मारा था उसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है उधर से वो गिर गया, उसको मॉनिटर नहीं कर पाया मैंने। हाँ मुझे तो आई वॉज श्योर शॉर्ट की भाई स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, हाई लेकिन ये 15 मतलब ये कल का हाई था 15, ओके ये 15 कल का हाई था, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा ये तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आज का क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही है, ओके कल ये बाई ट्रेड है सर, समझ रहे हो, यस अगर सर, मान लो इसके ऊपर खुला है ब्रेक इन से ट्रेड है करेक्ट, जो यस इन्फी सर, में हुआ हाँ, तो इधर हिट करेगा ऊपर, ओके ऐसा नहीं यस है सर, इसने हाई को रिजेक्ट करके आ रहा है, अगर तोड़ दे तोड़ देगा, ब्रेक इन साइड ट्रेड करना है ये लेवल से होगा, ओके इसको मॉनिटर करना, ओके निफ्टी रिलायंस और किसका बात किया है ए, बट सेम टू सेम, अगर इसके नीचे खुला तो नीचे नीचे गिर जाएगा, फाइन कोशिश यस सर, किया, ओके सर इतना वेट करके, इतना वेट करके लास्ट में सर देखो, अगर इधर किधर भी क्लोज हुआ होता मैं 20 20 पे एग्जिट है भाई, 20 पे एग्जिट है एक्चुअली, मैं इधर होशियार होना चाहिए था, इधर एंट्री में ही होशियार, मेरा एंट्री इधर नहीं था सर, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया था ना सर, ये कैंडल ने 206 से मेरा हाँ एंट्री था, इधर से एंट्री लगा के मुझे पता नहीं था किधर स्टॉप लॉस रखूं, ओके मैं पहले 202 पे रखा, उसके नीचे 1 रुपये नीचे रखा, जब नीचे करने में इधर रख दिया हाँ, ओके मतलब कुछ नहीं गया हाँ, लेकिन कुछ नहीं मिला, 1002 रुपीज का प्रॉफिट है हाँ, छोड़ दो अभी क्या है उसको लेके ना, यू हैव टू फॉरगेट इट ना, ये तो एक देखो भाई एक क्या हुआ है सर, ये कल का हाई है सर, हाँ यस सर, ये कल का हाई है करेक्ट, यस सर, मतलब ये तो ब्रेक इन साइड है कोई लेवल के, मतलब वो लेवल के ऊपर खुल रहा है करेक्ट, ये सब ना यस सर, इसमें और कोई लेवल नहीं था ना, ओके सर कल का हाई को रिजेक्ट कर रहा है क्या, ये हाँ रिजेक्ट कर रहा है रिजेक्ट कर दिया हाँ, सर, यस सर, रिजेक्ट करके आपको इधर किधर भी इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आया ना, 2 3 4 कैंडल में किधर भी नहीं हाँ आया ना, ओके नाउ देयर वाज अ लेवल हियर, मतलब ये लेवल तो आपको पता है ना, हाँ यूपीआई, ये वीकली हाई है 8-2, ओके अगर आप इसे देखते हो, इधर आप देखते हो इसका मतलब है इसको इसने तोड़ा था, हाँ सर, तोड़ते ही लोअर लो के है ना, हाँ ऐसा नहीं है हायर है क्या, इसका मतलब है ये लेवल नहीं है, ये कंफर्म नहीं है।